जय हिंद गाइस। सो आज की वीडियो में ये जो सारे क्वेश्चंस, ये जो सारे डाउट्स हैं आपको, वो सब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म आए हैं, क्या लास्ट डेट है एंड सो ऑन। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में। ठीक है, अगर आप अभी भी कुछ छूटा छाटा है या अभी भी आप फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारणवश, तो आपके लिए खुशखबरी है। यहाँ पे एलयू की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून थी, लेकिन अब 20 जुलाई जो है वो लास्ट डेट हो गई है जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि ये न्यूज़ उन तक पहुँच जाए, उन जरूरतमंदों तक पहुँच जाए, उन बच्चों तक पहुँच जाए जो अभी सोच रहे हैं कि फॉर्म भरने को। ठीक है, और जो अभी नहीं भर पाए फॉर्म किसी वजह से, तो वो भर दीजिए आप लोग। सो ये आपका जो डाउट था वो मैंने बता दिया कि पहले डेट एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो ये है कि क्या रहेगा आपका एंट्रेंस लेवल। सो इसके लिए मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ और यहाँ पे कितने लोगों ने अभी फॉर्म भरा है तो ये पहले आप देखिए। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, याजी की न्यूज़ है। यहाँ पे फोकस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप पढ़िए। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2021-2022 के लिए अभी तक लगभग 46,000 आवेदन स्नातक और परास्नातक विविध पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों के लिए गए हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक की 3,845 एवं परास्नातक में 4,400 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, 46,000 लोगों ने, 46K प्लस ही होगा, 46K से ज़्यादा ही लोगों ने अप्लाई कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो LU की अगर आप चाहते हैं, LU का अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका UG में 3845 सीट्स हैं और जो PG, ये UG का था, PG की बात करें तो 4400 सीट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपका डेडिकेशन है LU की ओर, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, जो अब दूसरी बात आती है वो ये आती है कि फॉर्म आपने देख लिया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, अब एंट्रेंस लेवल की बात आती है। देखिए, एंट्रेंस लेवल नॉर्मल भी रहेगा, ठीक है, मीडियम भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा, तीनों लेवल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे, कुछ ज़्यादा डीपली होंगे, कुछ ज़्यादा ऊपर ऊपर से होंगे, कुछ मीडियम बेसिस पे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप कर लें, कुछ ऐसे होंगे जो आप ना कर पाएं। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा वो क्वेश्चन, मेन बात यही रहेगी। सो जब आप तैयारी करोगे तो आपके लिए लेवल कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो यही लेवल हार्ड बन जाएगा, और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो यही लेवल सिंपल हो जाएगा। करेक्ट। सो अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बताया कि जो लेवल एंट्रेंस का रहेगा वो ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसे है। ठीक है, सो अब यहाँ पे बात आती है कि आपका कॉम्पिटिशन कितने लोगों से है। अगर आप LU में एडमिशन लेना चाहते हो तो देखिए, 46,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, इसमें से आप 50% को नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 50% को मतलब ही नहीं है कि उनको कोई कॉलेज मिले या ना मिले, कोई मतलब नहीं है। मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, अदरवाइज प्राइवेट से कर लेंगे। कॉलेज के लिए डेडिकेशन है नहीं 50% लोगों को। ठीक है, तो बचते आगे कितने, अब 23,000 लोग अब हमारे पास हैं। अब 23,000 से में भी क्या होगा, LU के लिए जो डेडिकेशन है वो सिर्फ होगा 10K, मतलब जो 10,000 लोगों हैं, 10,000 लोग हैं LU के लिए डेडिकेटेड होंगे कि हमको उसमें सीट्स मिल जाएं। ठीक है, ये तो मैंने 10,000 बहुत बड़ा बता दिया आई थिंक। और भी कम बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे को चाहिए एडमिशन तो LU में ही चाहिए। सो अगर आप उनमें से हैं तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका कंपटीशन मात्र 10,000 लोगों से है। ठीक है, और 10,000 से कम ही लोग हैं जो आपके सामने होंगे, जो मतलब आपसे कंपटीशन करेंगे एंट्रेंस लेवल में, एंट्रेंस एग्जाम में। अब देखिए, अब उसमें से भी जिनका डेडिकेशन है कुछ लोगों का, ठीक है, इसमें से हम 10K हो गया, ये 5K और 5K कर लेते हैं। ये 5K जो है और ये 5K जो है, ये 5K वो हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये 5K वो हैं जो बस डेडिकेशन तो है इनका कि LU में लेना है एडमिशन, बट ये कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या आ गई, अब आप अगर इन 5,000 में से हैं या इन 5,000 में से हैं, ये आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपका डेडिकेशन है सिर्फ, या आपको वाकई में डेडिकेशन के साथ LU में एडमिशन भी चाहिए और आप उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, बट मैं बता दूं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूं। जो पैटर्न है एक्जैक्ट उसी पैटर्न पे मैं सारी क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूं, करंट अफेयर से लेकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस किस तरह से पैटर्न आना है वो सब मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पे उसको अचीव कर सकते हैं और वहाँ पे एसेस कर सकते हैं, वीडियो सारी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो ये 5,000 बच्चे जो हैं इन्हीं का कॉम्पिटिशन होगा आपस में कि हमको सीट लेनी है LU में। ये 5,000 भी कंपटीशन आपको करेंगे जरूर, बट इनकी तैयारी नहीं होगी, बट यहाँ पे क्या होगा, जो इनको नॉलेज होगी उसी के बेसिस पे कर देंगे। बट आप अगर इन 5,000 में से हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वाकई में तैयारी कर रहे हैं, इन 5,000 में से अगर आप हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, हर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हर एक चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका इजिली यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर देखें तो आपका 6,000 to 7,000 लोगों से, 6,000 to 7,000 लोगों से आपका एडमिशन जो है, आपका यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए। और अगर आप भी, अगर आप देखिए, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपका डेडिकेशन वाकई में है LU में एडमिशन लेना, तो आप आ सकते हैं इस 6,000 से 7,000 की श्रेणी में, जो कि कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से और डेफिनेटली यहाँ पे LU में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अगर जरा सा भी सीरियस हो अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम, अपने एडमिशन को लेकर कि आपको LU से ही पढ़ना है, तो आप सीरियस सही से हो जाओ। कैसे, आप प्रिपेयर करो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, क्लासेस को अटेंड करो, मेरी करो या चाहे जिसकी करो, लेकिन करो, प्रिपेयर जरूर करो बस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही क्लासेस करो, देखो यार हम भगवान नहीं है। ठीक है, पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ भगवान नहीं हूँ, पर हाँ मेहनत करना है आपको, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं सफल नहीं होते, लेकिन आने वाले टाइम पे वो सफल हो जाते हैं किसी ना किसी तरह। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास जो टाइम है वो मेहनत करने का है, किसी भी तरह की बकवास के चक्कर में पढ़ने का नहीं है। ठीक है, और एक बात यहाँ जो आई है सामने कि एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ठीक है, तो नन ऑफ योर बिजनेस, ये नन ऑफ योर बिजनेस, व्हाई, बिकॉज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन ऑफलाइन में बहुत ईजी रहेगा।
ठीक है, ऑफलाइन कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं है, अरे माउस तो कर्जर पकड़ के घुमा लेते हो ना, हाँ, या वो भी नहीं घुमा पाते तो अपना हाथ तो घुमा लेते हो ना, ठीक है। तो वहाँ इतना बड़ा एक ऐसे होगा, उसको माउस कहते हैं, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस पार्ट पे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और इसी पार्ट से आपको काम करना है, इस वाले पार्ट से, लेफ्ट वाले पार्ट से। इतना तो कर लोगे ना, हाँ, कोई भी कर लेगा यार, ठीक है। कोई भी गाँव और शहर कुछ नहीं होता, इतना सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग चला के। तो ये जो बात बोली जा रही थी, मैंने सुना अभी एक, मतलब क्या ही बताऊँ, ठीक है, बट मैंने सुना कि वहाँ पे बोला गया कि जो अगर ऑनलाइन होगा तो गाँव में जो बच्चे हैं वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो वो कैसे देंगे। अरे भाई, मतलब यार ऑनलाइन पेपर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने घर पे बैठ के देना है, आपको सेंटर जाना पड़ेगा, एलयू वाला जो डिसाइड करेगा, ठीक है, एलयू जो डिसाइड करेगा सेंटर, उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे बकायदा कंप्यूटर और सब कुछ अवेलेबल रहेगा, नेटवर्क अवेलेबल रहेगा, पूरी टेक्निकल टीम अवेलेबल रहेगी, वो चीज़ मैनेज करेगी। तो मतलब कैसी बातें करते हैं यार कि गाँव में अवेलेबल रहेगा या नहीं। अरे यार, आपको गाँव में नहीं कि आपको घर से प्रिपेयर, मतलब घर से ही नहीं आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, जाना आपको सेंटर ही पड़ेगा जो आपको एलयू बताएगा। और बाकी बात रही ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, मेरे को जो अभी तक न्यूज़ मिली है वो यही है कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। लेकिन अब चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ये कुछ डिटो एकदम, मतलब मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है एग्जाम, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये लेकिन बात नहीं होती कि आप जो जिस तरह से बता रहे थे कि गाँव में अगर आप ऑनलाइन करवाते हो तो गाँव में नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको गाँव से ही देना पड़ेगा अपने, या किसी भी शहर से देना पड़ेगा, तो वैसे तो फिर आप चीटिंग करके दे लोगे, ये कोई तरीका थोड़ी। ऑनलाइन एग्जाम बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत, नेटवर्क वगैरह की दिक्कत नहीं आती, और अगर आती भी है तो वहाँ की जो टीम होती है वो आपको पूरा पूरा समय देती है। ऑनलाइन एग्जाम बेटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको जो, देखिए अब यहाँ पे OMR अगर शीट है, ऑफलाइन होगा तो OMR शीट होगी, वन का अगर गोले बने आपके ABCD, और अगर आपने एक भी गोला फिल कर दिया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे दोबारा, भले ही आपको आंसर पता हो जाए, ठीक है, अगर आपने कर भी दिया तो वो चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी, ओके। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अगर आपने फर्स्ट का अगर A लगा दिया है लेकिन आपको पता चला बाद में कि नहीं इसका A नहीं B होगा, तो आप यहाँ से स्विच कर जाओगे, इसलिए ऑनलाइन बेटर है। बाकी LU पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है, और क्योंकि LU ये सोच रहा है इस बार, जैसा सुनने में आया कि हाँ वो चाहता है कि जैसे हम एग्जाम करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम OMR करवाएंगे कि ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे तो वहाँ पे और जल्दी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी, तो टाइम टू टाइम एडमिशन हो जाएगा, टाइम टू टाइम इनका रिजल्ट आ जाएगा, टाइम से इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, टाइम से इनका सेशन चालू हो जाएगा। तो LU ये सोच के उसने, मतलब ऐसी न्यूज़ सामने आई थी कि वहाँ पे ऑनलाइन होगा, लेकिन अभी तक ये पूरा तय नहीं है, ये अब आने वाले दिनों में ही तय होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगस्त के लेटर में आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी रिलेटेड टू ये आपका एंट्रेंस एग्जाम, और हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, तो जैसे ही न्यूज़ आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहरहाल आप अभी इस ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए, प्लीज़ किसी भी चैनल के ऊपर भरोसा मत करिए जब तक LU खुद अपनी ऑफिशियल नोटिस नहीं दे देता। जो मेरे को सुनने में आया वो मैंने बता दिया, और ऐसे ही मैं कोई न्यूज़ आप लोग को नहीं बताता हूँ, आप लोग अगर भरोसा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मैं ऑथेंटिसिटी यार मैं रखना ही चाहता हूँ शुरुआत से ही, जो भी बताया वो ऑथेंटिसिटी रिलायबल रहा है, जब मैंने खुद उस पर भरोसा कर लिया ना तब आपको बताया, ठीक है। तो मतलब ऐसे पॉइंट आउट करना सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, वो आने वाले समय में जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है। हो सकता है ऑफलाइन हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, बट लेकिन आप अभी इस चक्कर में मत पड़िए, इस क्वेश्चन में मत फंसिए, सब कुछ इजी है, ऑनलाइन भी इजी रहेगा, ऑफलाइन भी इजी रहेगा, और अगर ऑनलाइन हुआ तो भी आपको एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा जब LU डिसाइड करेगा, जो वहाँ पे ऑफलाइन होगा तब भी आपको एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा जो भी LU डिसाइड करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो नेटवर्क और इस सब की चिंता, ऑनलाइन ऑफलाइन की चिंता छोड़ दो, बस अभी कुछ नहीं, अभी आपको जो करना है क्या, वो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको समझना है, ठीक है, क्लासेस करनी है और उनको रिवाइज करना है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो आई होप सो मैंने आपके जो डाउट्स है ये सारी वो क्लियर कर दिए। आपको कुछ अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना प्रीशियस समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना समय दिया, और क्लासेज आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी आपको किसी भी तरह की परेशानी या कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।